ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं जेमिनी के लिए ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर द कमिंग वन। ओ सो मेनी कार्ड्स वी हैव जेमिनी, क्या चल रहा है? फ्लो ऑफ एनर्जी, ओके। वी हैव हॉस्टिलिटीज़ जेमिनी के लिए। मुझे ऐसे लगता है इट्स अबाउट, मैंने आपको बोला ना कि जैसे बहुत सारा एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं, या यू कह लीजिए एक एनर्जी फ्लो कर रही है बहुत ज़्यादा, और इट्स अबाउट दैट यू वांट टू डू समथिंग, आप कुछ करना चाहते हैं, एक्शन टेकिंग एक्शन इन अ वे, आप कुछ चाहते हैं, आप कुछ लाइफ में अपनी अचीव करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रही है। एंड येस ऑफकोर्स यू हैव लॉट ऑफ लाइक गोइंग ऑन इन योर माइंड, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, फ्यूचर प्लान्स दिस इन दैट, वी हैव थिंकिंग वुमेन, सो ऑल द वुमेन वॉचिंग दिस, फर्क नहीं पड़ता वुमेन या मेन है, जो भी है, इट्स अबाउट फेमिनिन एनर्जी जो राइज हो रही है और कुछ करना चाहती है, एंड मैस्कुलिन एनर्जी, तो दोनों यू नो मिलके, इट्स अबाउट दैट। तो आपके अंदर जो एक एनर्जी का एक बैलेंस कह लीजिए, यू कह लीजिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी करना चाहते हैं, लॉट ऑफ एक्शन यू नो, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, और स्पेशली ये मंथ यही चीज़ आपके लिए आपके सामने लेके आने वाला है। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। फॉर ऑल द जेमिनी पीपल लेट्स फाइंड आउट कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। ओके ओके सो जेमिनी के लिए मुझे ऐसा लगता है सम हाउ दैट कोई कनेक्शन है आपके अराउंड, जो आप इतनी एनर्जी फील करते हैं बट यू आर वॉकिंग अवे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, फैसला भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, जो न्याय है, जो फैसला है वो आपने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। सो मे बी दिस इज़ द थिंग, ये आपका कनेक्शन हो सकता है किसी पर्सन के साथ, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस, कुछ के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, और अ सेपरेशन हो, या ये चीज़ें हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है। मैंने बोला ना दैट यू लाइक इट्स अबाउट अ फ्री सोल, आप अपनी, आप चाहते हैं कि कब आप फ्री महसूस करें, हैप्पी महसूस करें, वो जेमिनी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड येस देर इज़ अ कनेक्शन, बट आप शायद अपने इमोशंस को, आपके अंदर जो फायरी एनर्जी बार बार उठ के आती है, आप वो उससे अपना ध्यान हटा रहे हैं। एंड मोर ओवर हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको चीट भी किया हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैन्यूपुलेशन है या कुछ है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, या आपके साथ कोई दोबारा से चीट ना कर दे, तो ये चीज़ें सिचुएशन ऐसी बन रही है, ठीक है, फॉर ऑल द जेमिनी। एंड फॉर सिंगल्स आई थिंक मे बी आप क्रॉस रोड्स पे हैं, कुछ हो सकता है कि अभी भी फ़िलहाल उस चीज़ में से निकल रहे हैं, पास्ट बिट्रेयल से निकले नहीं हैं, एंड शायद हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यू कनेक्शन, तो क्या न्यू कनेक्शन आएगा, इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप चाहें तो रिश्तों की कोई कमी नहीं है, या आपके अराउंड लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, इट्स अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किसके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये हमें एनर्जी आपकी साइड से दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है, दे आर वेटिंग, दे आर लाइक काइंड ऑफ मूविंग ऑन, मुझे ऐसा लग रहा है कोई यू नो, कोई अपने आप को बैलेंस कर रहा है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक योर काउंटर पार्ट, ठीक है, और ये पर्सन अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होल्ड पे कर रहे हैं जेमिनी, ये जो पर्सन है, और एक इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेटिंग टू बी विद यू, या हो सकता है कि दे आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, या ऑलरेडी वो कनेक्शन में है, ठीक है। तो अगर इस पर्सन का नेक्स्ट मूव पूछे, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे आपका इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और दूसरा ये कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो फ्लक्चुएट कर रही हैं बहुत ज़्यादा,
तो क्या क्या बोल सकते हैं इस यू नो सिचुएशन में. और बट येस यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न. मुझे ऐसे लगता है कोई आपकी तरफ आएगा, या मे बी ये पर्सन भी एक्सपेक्ट करते हैं, या दे लाइक समबडी वॉन्ट्स टू यू नो कम कम फॉरवर्ड. आई एम गेटिंग कैप्रिकॉन एनर्जी या डेविल कार्ड ऑल्सो यर, सो मे बी समथिंग टॉक्सिक एंड सम लविंग. तो ऑप्शंस भी हैं, या हो सकता है आप डाइसी हो, या न्यू और ओल्ड में यू नो कोई पास्ट एनर्जी है, कोई प्रेजेंट एनर्जी, कोई न्यू एनर्जी है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा. यू नो समबडी इज़ अग्रेसिव, समबडी इज़ जेलस, समबडी इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, कोई आपकी तरफ आ नहीं रहा है, बहुत सोच रहे हैं. तो अगर हम पास्ट एनर्जी की बात करें, आई थिंक दे आर हीलिंग themselves. अपने आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, एम्परर फॉर्म में, वेरी वेरी फायरी एनर्जी, ये सब कोर्स एम्परर फॉर्म में आ रहे हैं. और अब चाहते हैं एक बैलेंस लेके आना, दूरियाँ मिटाना. कोई हो सकता है डेफिनेटली फ्रॉम द पास्ट, और आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करने हैं. तो मैंने जैसे बोला था कि येस इट्स ऑल अबाउट यू जेमिनाई, कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है. तो वो आपकी लव लाइफ को शेप देने वाला है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है. बट येस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके दिसंबर मंथ में कोई पास्ट एनर्जी, कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, और ये बातें हो सकती हैं. चलिए करियर की अगर बात करें, आई थिंक वी डोंट टेक रिवर्सल्स. करियर में आई थिंक गुड गोइंग. शायद हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं. और अगर आप कहीं वर्क प्लेस पे मतलब अगर जॉब करते हैं, तो भी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड एनवायरनमेंट. यू आर गोइंग टू डू यू नो थिंग्स और जो लाइक हेल्प आउट कर सकती हैं आगे चल के आपको और आपके अराउंड लोगों को. और इससे एटमॉस्फेयर अच्छा बन सकता है, एनवायरनमेंट अच्छा बन सकता है. लॉट ऑफ यू नो कम्युनिकेशन, मीटिंग पीपल, दिस एंड दैट, ये वो. वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी. इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ. तो जेमिनाई के लिए जो दिसंबर में मंथ है, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, फॉरवर्ड मूवमेंट, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट गिव अप. कीप फाइटिंग. आप फाइट करते जाइए, यू विल बी इन अ लॉट बेटर स्पेस, बिकॉज वी हैव दैट ब्यूटिफुल एम्प्रेस एनर्जी. तो अगर आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, इट्स गोइंग टू पे ऑफ. ग्रेट एनर्जी. और कुछ के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेस फॉर एन ऑफिस और हाउस और दिस एंड दैट, तो शायद वो भी पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज वी आर गेटिंग दैट एनर्जी. कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपना लाइक डेकोरेट कर सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं, चेंज इन योर ऑफिस, या कुछ भी अपने ऑफिस में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, वगैरह वगैरह, एट वर्क प्लेस स्पेशली. सो दिस इज द थिंग आई एम गेटिंग. ओके, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल जेमिनाई? प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए कि जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, जेमिनाई के लिए यही गाइडेंस है कि पहले तो रिलैक्स हो जाइए, ठीक है. अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए. और दूसरा ये, when you have to make changes in your life, जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा. आपका जो नज़रिया है देखने का, वो आपको चेंज करना पड़ेगा. वी आर गेटिंग गोइंग विद द फ्लो. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है दैट डोंट जस्ट कीप ऑन स्विमिंग विद द वाटर, ठीक है. ओनली डेड फिश स्विम विद द वाटर. अगर आप कुछ चाहते हैं, तो आपको वो टाइड के अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में. दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग, ठीक है. तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. अदरवाइज कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में यू नो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस आ सकते हैं, ब्यूटीफुल, या शुरुआत है, या कुछ भी है. सो इट्स अबाउट दैट एनर्जी. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट.